अभी तो फिलहाल इसमें कोई नहीं रहता है। देखिए पूरा भूत बंगला का जैसे दिखाई दे रहा है, इतना पुराना है, 20 साल पुराना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज बात कुछ ऐसे है, आप लोगों को तो थंबनेल देख के सब कुछ पता ही चल गया। हाँ गाइस, आज मैं बुकाजन की तरफ आया था, अंदर में बुकाजन से थोड़ा अंदर में चाय पत्ता का बागान में एक्सप्लोर करने के लिए। और चाय पत्ता देखिए गाइस एक क्या चीज़ है, आप लोगों सबको पता ही है, हर आदमी का लाइफ में चाय पत्ता का जरूरी है। सुबह में देखिए गाइस, चाय पत्ता नहीं होने से, चाय नहीं होने से हम लोगों का दिन शुरू नहीं होता है। तो आज उसका बारे में बातचीत करेंगे, उसको दिखाने के लिए कोशिश करेंगे उसमें क्या है, क्या रहे, कैसे क्या क्या होता है। तो ठीक है ना, चलते हम लोग आज की ब्लॉग हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग बने रहिए, और ब्लॉग में जो कोई नया है चैनल में, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को हिट करके रखिए, क्योंकि देखिए मेरा इस तरह का ब्लॉग आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा। तो ठीक है, चलिए लेट्स गो, ब्लॉग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा पीछे तरफ का बैकग्राउंड देखने से आप लोगों को पता चल गया, देखिए इतना खूबसूरत नज़ारा है गाइस। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये हो गया चाय पत्ते का बागान, और देखिए हम अंदर में आ चुके हैं। और देखिए चाय पत्ता कुछ ऐसा है, स्मेल भी इतना खूबसूरत स्मेल है। और देखिए ये चाय पत्ता हर कोई किसी का लाइफ में जरूरी है, और चाय पत्ता मतलब बहुत कुछ बीमार के लिए बहुत अच्छा है, लाभदायक है, फायदेमंद है। और इसको देखिए, ये चाय पत्ता सुबह नहीं होने से किसी का घर में चाय नहीं होता, और चाय नहीं होने से किसी का मतलब दिन नहीं शुरू होता है, कुछ ऐसा है। तो चाय पत्ता का देखिए साइड का व्यू थोड़ा दिखाइए, देखिए इतना खूबसूरत व्यू है, इतना बीच बीच में इतना बड़ा बड़ा पेड़ है, और इसका अंदर में आने से देखिए इतना अच्छा लगता है, ऐसा है। मतलब आप लोग भी आने से थोड़ा इसका मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए उस बगान में रुक के। तो हम लोग तो आया था आप लोगों का व्यू किसा है क्या नहीं है दिखाने के लिए। और देखिए अभी हम लोग यहाँ से जाने वाला है, सामने में एक फैक्ट्री, चाय पत्ते का फैक्ट्री है जो सुनाई दिया है हमें, आगे में एक फैक्ट्री है, और ये फैक्ट्री आपका 20 साल से पुराना है, 20 साल का पुराना है, अभी फिलहाल बंद है, 20 साल पुराना हो गया, मतलब 20 साल से बंद है, और इसका पहले से 20 साल से बंद है। तो अभी सुना है उसका मतलब भूत बंगला का जैसा दिखाई देता है, तो कोई रहता नहीं। तो इसका कैसा है क्या है देखने के लिए जानने के लिए कोशिश करेंगे, आप लोग बने रहिए ब्लॉक में, और भूत बंगला कैसा है वो भी देखने के लिए कोशिश करेंगे। तो ठीक है, ठीक है, एक बार विकेश भैया एक बार इधर में आओ, कैसा है आपका ये ब्लॉग, कैसे चल रहा है? यहाँ का ब्लॉग तो बहुत मस्त चल रहा है। ए, मेरा साथ में विकास भैया भी आया है, उसका भी ब्लॉग है, विकास ब्लॉग एवरीथिंग, आप लोग भी जाके कभी विजिट कर सकते हैं, वो भी अच्छे से ब्लॉग बनाता है। कैसा लगा आपको यहाँ में आके? आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत है गाइस, आप खुद आइए, ठीक है, नेचुरली आप खुद आके देखे जाइए, बहुत अच्छा है जगह तो। और यहाँ में आने के बाद मुझे एकदम सुकून सा जैसे, मतलब की एकदम कूल जैसा लगा मुझे, एकदम ठंडा एकदम प्लेस है, और एकदम बहुत ही खूबसूरत है गाइस। तो आप लोग यहाँ में आके विजिट कीजिएगा, ठीक है, आप लोग घूम के जाइएगा, यहाँ पे देखे जाइएगा। तो ठीक है, थैंक यू, और हम लोग चलते हैं अभी फिलहाल उस तरफ, आगे तरफ देखने के लिए आप लोगों को दिखाएंगे आगे का भूत बंगला कैसा है। तो आप लोग बने रहिए, चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस हम लोग फाइनली
फैक्ट्री के अंदर आ चुके हैं और मेरे पीछे तरफ जो दिखाई दे रहा है, देखिए ये पुराना एक बंगला है, ये एक्चुअली फैक्ट्री नहीं है, ये ऑफिस है और अभी तो फिलहाल इसमें कोई नहीं रहता है। देखिए पूरा भूत बंगला का जैसे दिखाई दे रहा है, इतना पुराना है, 20 साल पुराना मामूली। और देखिए और इस तरफ देखिए मेरा ये हो गया आपका फैक्ट्री। तो हम लोग अभी फिलहाल उसका अंदर जाएंगे, जाके देखेंगे कैसा है क्या है, इतना पुराना फैक्ट्री क्यों ऊपर नहीं, कोई मिलने से बातचीत करने के लिए भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तब तक आप लोग बने रहिए और चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। और गाइस ये हो गया आपका फैक्ट्री, जो आपको पहले बोला था जो 20 साल पुराना फैक्ट्री यही है। तो चलिए आगे चलते देखते। देखिए गाइस दूर दूर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए गाइस तो गाइस ये देखिए सामने तरफ हम लोग अभी अंदर आ चुके और किस तरह है नजारा देखिए, अंदर का नजारा ये देखिए। चाय पत्ता का जो ठंडा रखने के लिए ना सुखाने के लिए पता नहीं मेरे को, और कुछ इस तरह है। देखिए पूरा कितना पुराना हो गया, देखिए फिर भी अभी भी कुछ मजबूत जैसे लग रहा है देखने में। देखिए गाइस 20 साल पुराना है फिर भी मजबूत, अभी भी मजबूत जैसे लग रहा है। कुछ इस तरह का देखिए बहुत है, आप लोग बने रहिए और हम लोग अंदर जाके डिटेल्स जानने के लिए कोशिश करेंगे और कोई मिलने से बातचीत करने के लिए भी कोशिश करेंगे, कोई तो फिलहाल नहीं है। देखिए कितना पुराना है, देखा गाइस, इसलिए भूत बंगला का जैसा, इसलिए उसको भूत बंगला, अभी फिलहाल उसको भूत बंगला इसलिए बोलते हैं। चलिए अंदर चलते हम लोग, आगे जाके देखते आगे का नजारा किस तरह है। तो गाइस देखिए दूर दूर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इतना डर लग रहा है। और गाइस यहाँ का नजारा कुछ इस तरह है, देखिए अंदर का। और गाइस देखिए इस अंदर का नजारा कुछ इस तरह है, देखिए क्या नजारा है गाइस, देखिए इतना डरावना प्लेस है, देखिए बहुत डर लग रहा है गाइस। तो हम लोग जल्दी निकलते हैं यहाँ से, अभी हम लोग फिलहाल इसका अंदर जाएंगे, उसका अंदर का नजारा कैसा है देखेंगे हम। ठीक है, तो हम लोगों को फाइनली इस तरफ रास्ता मिला है एक, देखिए जंगल का अंदर से। तो चलिए चलते देखते। Oh my God! देखिए गाइस पूरा सनसन का जैसे है, देखिए दूर दूर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, किस तरह का हालात हुआ है देखिए, नीचे का फ्लोर का हालात देखिए और ऊपर का देखिए ना। गाइस चलिए हम लोग निकलते हैं यहाँ से, बहुत कोई इसलिए देखिए बहुत देर से हम लोग इधर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है और इतना भयानक है, तो जल्दी जल्दी निकलने से अच्छा है। तो चलिए हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस हम लोग बाहर निकल के आ चुके और ठीक है चलते आगे और देखते।
ऐसा लगा 20 साल पुराना बोल रहे सब आदमी, फिर भी 20 साल पुराना जैसा नहीं लग रहा है, मतलब क्योंकि देखिए अभी भी बिल्डिंग को देखने से लग रहा है मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ, कुछ इस तरह ही नजर आए। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके बाहर निकल के, और ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना, ब्लॉग अच्छा लगने से लाइक और शेयर कर देना, और इसी तरह ब्लॉग आप लोगों को चाहिए तो जो कोई नया है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है अभी, और ठीक है मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, अभी के लिए फिलहाल टाटा बाय बाय।